वेलकम गाइस टू आवर चैनल सॉल्यूशंस वे टू सक्सेस। हम लोग जो आज पेपर हुआ है 25 मार्च को, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, तो आप लोग अगर क्वेश्चन में कहीं आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप हमें बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको और क्वेश्चंस याद आते हैं तो आप हमें क्वेश्चंस बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम वो क्वेश्चंस के आंसर के साथ इंक्लूड करेंगे। आप हमारे पिन पॉइंट्स को चेक करते रहिएगा, क्योंकि पिन पोस्ट में हम जितने नए क्वेश्चंस आते हैं उनको उनके आंसर्स के साथ अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको देखने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इजीली मिल जाए। तो गाइस पहले तो थैंक यू जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अवेलेबल कराया। तो पहला क्वेश्चन जो है कि पीटी उषा ने ब्रॉन्ज जो है मेडल किस ओलंपिक में जीता था, मतलब सॉरी जीता नहीं था, हारा था। उस साल वो ब्रॉन्ज मेडल हार गई थी, वो हुआ था 1984 में। ये ओलंपिक हुआ था यूएस में। यूएस में कहाँ? लॉस एंजल्स में हुआ था और 0.01 सेकेंड से वो हारी थी। कितना कीमती होता है 0.01 सेकेंड। फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेड क्वार्टर है द हेग में। सॉरी ये क्यों नहीं जी है, तो इसका हेड क्वार्टर है द हेग में। द हेग है नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट है लक्ष्य मिसाइल किसकी है, लक्ष्य मिसाइल जो है वो किसने तैयार की है, वो तैयार की है DRDO ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मोस्ट मेडल इन ओलंपिक, सबसे ज़्यादा मेडल ओलंपिक में किसको मिले हैं, तो वो मिला है माइकल फिलिप्स को। माइकल फिलिप्स जो है वो एक स्विमर हैं और सबसे ज़्यादा बार मेडल मिला है उन्हें। एक अजीब सा नाम है कैपिटल का, निंजे मैना, आप जैसे भी पढ़ें डिजिमेना या जो भी, ये कैपिटल है कहाँ की, ये कैपिटल है चाड की। फिर है अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा में क्वेश्चन आया था कि कहाँ सिचुएटेड है, तो अलाई दरवाज़ा है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है। अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट है डायनेमिक साउंड स्पीकर इज़ इन्वेंटेड बाय, तो जो डायनेमिक साउंड स्पीकर्स हैं ये इन्वेंट किया है एडवर्ड के केलॉग ने और चेस्टर डब्ल्यू राइस ने। ठीक है, एडवर्ड के केलॉग और चेस्टर डब्ल्यू राइस ने। फिर है दो क्वेश्चंस और हैं, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं कि ऑनरस का एंटोनिम क्या है, तो ऑनरस जो है इसका एंटोनिम है काम एंड ईजी। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि इसका उल्टा यही होगा। फिर एफर्टलेस, फ्रेंडली, जेंटल, हेल्पफुल, इसमें से कोई भी वर्ड अगर दिया रहा होगा तो एंटोनियम वही होगा। नेक्स्ट है अगस्त, अगस्त का सिनोनियम क्या होगा, तो अगस्त का सिनोनियम होगा ग्रैंड, बैरोनियल, ब्रिलियंट, एमिनेंट, इम्प्रेसिव। तो इसमें से ऑप्शन में जो भी दिया रहा होगा वही सिनोनिम होगा, तो आप ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको नए क्वेश्चंस याद आते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया, उससे सबको बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप दोबारा पेपर देने जाएंगे तो इन वीडियो को देख के आप फटाक से जान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। तो और थैंक यू जिन लोगों ने हमको इन क्वेश्चंस के बारे में बताया। गाइस कोऑपरेट करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।